जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल मैं आपको समझाने जा रहा था। तो इसमें ये देखें, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये राउंड और ये क्या है, रिंकल्ड सीडेड प्लांट, इन दोनों को क्रॉस करवाया। इससे स्पर्म प्रोड्यूस हुए, ये दो स्पर्म, इससे एग प्रोड्यूस हुए, ये दो एग, क्योंकि ये फीमेल है और ये क्या है, मेल। ठीक, तो आपने पढ़ा है ये मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में, जिसने मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन नहीं पढ़ा या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं पढ़ा या उससे पहले वाला बेसिक लेक्चर नहीं पढ़ा, ये लेक्चर उसके लिए बिल्कुल फालतू है, वो ना सुने, पहले आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुने। ठीक है, अब जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो आधे क्रोमोसोम एक स्पर्म में आते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म में आते हैं, यही तो मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन हमें कहता है। जब एग प्रोड्यूस होते हैं, आधे क्रोमोसोम एक एग में आते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरे एग में जाते हैं, और जब आधे क्रोमोसोम एक स्पर्म में आएंगे और आधे क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म में आएंगे, इसका मतलब है आधे जीन्स एक स्पर्म में आएंगे, आधे जीन्स दूसरे स्पर्म में आएंगे, यही सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स है। यानी कि जीन्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग स्पर्म प्रोडक्शन और जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग एग प्रोडक्शन। अब ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यही स्पर्म इस एग के साथ भी फ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, हम दोनों कंडीशंस को अवेल करेंगे। ये स्पर्म क्या इस एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, कर सकता है, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये स्पर्म क्या इस एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो सारी एफ वन जनरेशन क्या है, हेटरोजाइगस, और सारी की सारी क्या है, राउंड। अब हम एफ वन जनरेशन के कोई से दो पौधे ले लेते हैं, ये और ये ले लें, सारे जैसे हैं जो उनसे मर्जी ले लें, सारे हेटरोजाइगस हैं, एक मेल तसव्वुर कर लें, एक फीमेल तसव्वुर कर लें। मेल से क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स, आधे स्पर्म्स में होगा कैपिटल आर और आधे स्पर्म्स में क्या आएगा, स्मॉल आर। फीमेल से क्या प्रोड्यूस होंगे, एग्स, आधे एग्स में आएगा कैपिटल आर और आधे एग्स में क्या आएगा, स्मॉल आर। अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करते तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और अगर ये स्पर्म दूसरे एग को फर्टिलाइज करते तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करते तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। आप चाहे स्मॉल आर इधर लिखते हैं, कैपिटल आर इधर लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर यही स्पर्म दूसरे एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों पौधे क्या हैं, आप कहेंगे राउंड। आपसे पूछा जाए टोटल पौधे कितने, आप कहेंगे चार। चार में से तीन कितने आ गए, राउंड, क्योंकि सबके अंदर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर है, सब क्या होंगे, राउंड। आप कहेंगे सर चार में से तीन के चांसेस हैं कि वो राउंड हो जाए, यानी कि 3/4 चांसेस किसके हैं राउंड होने के। आप कहेंगे सर एक रिंकल्ड है, एक रिंकल्ड का मतलब है कि चार में से एक के चांसेस है कि वो रिंकल्ड हो जाए। ठीक है, तो यानी कि ये जो चांस बता रहे हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में बताई जाती है, एफ टू जनरेशन में। कभी भी ब्लंडर नहीं मारना कि एफ वन जनरेशन में प्रोबेबिलिटी बताएं, क्यों, एफ वन जनरेशन में तो होता ही, अगर आपने राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करवाया तो एफ वन जनरेशन में आएगा सिर्फ वो करेक्टर जो डोमिनेंट है। तो सारी जनरेशन क्या है, राउंड, 100% राउंड होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हमेशा, फिर एफ वन जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं और एफ टू जनरेशन जो मिलती है उसमें आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और प्रोबेबिलिटी का उसूल समझ लें कि हर डोमिनेंट करेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 3/4। जो राउंड करेक्टर है डोमिनेंट करेक्टर है। आप कहेंगे सर इसको डोमिनेंट करेक्टर क्यों बोला, मैं कहूंगा कि इसको कंट्रोल करने वाला जीन डोमिनेंट है, कैपिटल आर। हर रिसेसिव करेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो है वो जीन भी रिसेसिव होगा। और आप देखें रिंकल करेक्टर रिसेसिव करेक्टर है, उसका जीन भी रिसेसिव है, और हर रिसेसिव करेक्टर का जो चांस है वो कितना है, 1/4। अब आप इधर येलो और ग्रीन पे आ जाएं, येलो ग्रीन पे भी सेम केस है कि ये देखें ये येलो प्लांट है होमोजाइगस, ये ग्रीन है होमोजाइगस, इससे ये स्पर्म प्रोड्यूस हुए, इससे ये एग प्रोड्यूस हुए। आप देखें किसी भी स्पर्म को किसी भी एग के साथ मिला दें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं सारे एग्स को नहीं मिला रहा क्योंकि आपको पता है 100% येलो नहीं आना है और सेम रिजल्ट आना है क्योंकि सारे स्पर्म और सारे एग्स एक जैसे हैं। ठीक है, और ये एफ वन जनरेशन आपके पास आ गई, ओके, ये भी एफ वन जनरेशन का पौधा है। अब एफ वन और एफ वन को आप इसमें क्रॉस करवा के देखते हैं, तो याद रखें एफ वन जनरेशन में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, एफ वन जनरेशन में 100% डोमिनेंट करेक्टर वाला ही होता है, और वो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा, येलो। आप देखें सारे हेटरोजाइगस हैं, सब में ग्रीन के लिए जीन है, लेकिन सबके अंदर कैपिटल वाई की यानी कि येलो वाले जीन की वजह से सबका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी, सॉरी, ये एफ वन जनरेशन का एक पौधा, ये एफ वन जनरेशन का दूसरा पौधा। ठीक है, सो एफ वन क्रॉस बाय एफ वन, एफ वन क्रॉस बाय एफ वन, एक को मेल तसव्वुर कर लें, एक को फीमेल तसव्वुर कर लें। ठीक है, और ये देखें जी, इससे स्पर्म प्रोड्यूस करवाते हैं, इससे प्रोड्यूस होंगे स्पर्म और इससे प्रोड्यूस होंगे एग्स, और आधे स्पर्म में क्या जाएगा, कैपिटल वाई, यस, और आधे स्पर्म में क्या जाएगा, स्मॉल वाई, यस।
आधे एक्स में क्या जाएगा कैपिटल वाई, यस। आधे एक्स में क्या जाएगा स्मॉल वाई, बिल्कुल यस। और आप देखें स्पर्म्स के नीचे मैं स्पर्म लिखता हूँ, हर मरतबा मैं सेम स्टेप रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात याद भी हो जाए कि आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और कोई भी स्पर्म किसी भी एग के साथ फ्यूज़ हो सकता है, बिल्कुल ये रूल है, ठीक है। तो आपने हर स्पर्म को हर एग के साथ फ्यूज़ करवा के देखना, ये स्पर्म इसके साथ भी फ्यूज़ करवाया, ये स्पर्म इसी एग के साथ भी फ्यूज़ करवाया, तो रिजल्ट क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह अगर आप इस स्पर्म को इस एग के साथ फ्यूज़ करवाते हैं या इस स्पर्म को इस एग के साथ फ्यूज़ करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई यस, या स्मॉल वाई कैपिटल वाई एक ही बात है, स्मॉल वाई यस, बिल्कुल ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये क्या होगा, आप कहेंगे सर येलो। आपसे पूछा जाए ये पौधा कैसा होगा, आप कहेंगे येलो। आपसे पूछा ये पौधा कैसा होगा, आप कहेंगे येलो। आपसे पूछा जाए कि टोटल पौधे कितने हैं, चार। आप कहेंगे इसमें से तीन क्या है येलो, यानी कि 3/4 येलो हो गए, यानी कि चार में से आप कहेंगे तीन के चांसेस येलो होने के हैं, ठीक है। और देखिए अगेन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो येलो है, क्योंकि इसका जीन क्या है डोमिनेंट, हमेशा डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, चांस कितने हैं 3/4, यानी कि चार पौधे होंगे तो उसमें से एक के तीन के चांसेस जो है वो येलो होने के। और ये एक क्या है ग्रीन, तो आप कहेंगे सर टोटल चार हैं, चार में से एक के चांसेस है ग्रीन होने के, तो 1/4 चांसेस किसके हैं ग्रीन के। अब हम आपको अच्छी तरह से आइडिया हो गया, तो कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर हो, ये पहली बात तो ये कि ये जो हमने ये निकाली है ये F2 जनरेशन है, ठीक है, क्योंकि F1 जनरेशन को क्रॉस कराया, ये सारी F2 जनरेशन की आपने प्रोबेबिलिटी बताई। मैं बात रिवाइज कर रहा हूँ कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस में फाइंड आउट की जाती है, F2 जनरेशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट रूल की तरफ आते हैं, वो क्या है, वो ये कि हम लोगों ने 9-3-3-1 की रेशो निकाली थी मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ठीक है। वो रेशो किस किस की थी, आपने कहा था कि सर जो राउंड येलो हैं वो 9 हासिल होंगे अगर 16 पौधे हैं उसमें से 9 क्या होंगे राउंड येलो, अगर 16 पौधे हैं उसमें से 9 क्या होंगे राउंड ग्रीन, अगर 16 पौधे हैं उसमें से सॉरी ये 3 होंगे, अगर 16 पौधे उसमें से 3 क्या होंगे रिंकल्ड येलो, और अगर 16 पौधे हैं उसमें से एक क्या होगा रिंकल्ड ग्रीन। ये तो आपने पनेट स्केयर ड्रॉ करके ये रिजल्ट निकाला, तो इस रिजल्ट को शॉर्ट फॉर्म में भी निकाला जा सकता है, वो कैसे है? आपने ये क्या बताया, चांस बताया ना, यानी कि 16 में से एक के चांसेस हैं रिंकल्ड ग्रीन होने के, 16 में से तीन के चांसेस हैं रिंकल्ड येलो होने के, 16 में से तीन के चांसेस हैं राउंड ग्रीन होने के, 16 में से 9 के चांसेस हैं राउंड येलो होने के, ठीक है। तो ये आपने चांस बताया कि एक पौधा उसके बीज राउंड भी हों और ग्रीन भी हों, शेप में राउंड हो कलर में ग्रीन हो, तो वो 16 में से 3 हो सकते हैं, ये आपने प्रोबेबिलिटी बताई लेकिन पनट स्केयर ड्रॉ करके। तो इसकी शॉर्टली कैसे ड्रॉ करेंगे या शॉर्टली इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इज़ वेरी इजी। आप मुझे बताएं राउंड की अलग से जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 3/4 ये लें जी 3/4 मल्टीप्लाई, येलो की अलग से प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो कितनी निकाली थी 3/4, तो दोनों की राउंड की और येलो की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 9/16। तो यही आपने कहा था कि 16 पौधे हों तो बीच में से 9 कितने होंगे राउंड येलो। फिर इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे राउंड और ग्रीन की जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे कि राउंड की अलग से प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने 3/4 और ग्रीन की अलग से प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली 1/4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/16। तो यही आपने कहा था कि 16 पौधे हों तो 3 पौधे क्या होंगे राउंड ग्रीन, और अगर आपसे रिंकल और येलो की जॉइंट प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अलग प्रोबेबिलिटी क्या है, रिंकल्ड की अलग प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, क्योंकि ये रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव करेक्टर है, और येलो की अलग प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 3/16। तो यही आपने निकाला था कि 16 पौधे हों तो 3 क्या होंगे उसमें से रिंकल्ड येलो होंगे,
ठीक है। और इस तरह रिंकल्ड और ग्रीन की जॉइंट प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों रिसेसिव करेक्टर हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/16। तो यही आपको बताया था कि पनिट स्केयर में मेंडल ने के 16 पौधे हों तो एक पौधा क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी पता है तो आप उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर। सो दिस इज़ प्रोडक्ट रूल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।